उधार का 40,000 रुपया ना देना पड़े, इसलिए सिमरा निवासी छेदी पासवान पुत्र रामौदौर पासवान साजिश रची और पादरी बाजार पुलिस चौकी पर जाकर बताया कि उसके साथ 1,30,000 रुपए की लूट कैंट थाना अंतर्गत बेतियाता स्थित पेट्रोल पंप की गली में हो गया है, जिस पर तत्परता दिखाते हुए वादी छेदी पासवान को लेकर इंस्पेक्टर शाहपुर संजय कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और इंस्पेक्टर कैंट सहित पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। वादी ने लूट की जगह पर बताया कि उसे दाऊदपुर से हनुमान मंदिर बेतिहाता के रास्ते में पेट्रोल पंप के पीछे चार लोगों ने उसे 1,30,000 रुपए लूट लिए हैं। घटनास्थल और पादरी बाजार पुलिस चौकी के बीच काफी दूरी होने पर पुलिस को संदेह हुआ तो कड़ाई से पूछताछ करने पर वादी ने अपने गांव के ही दो युवक मनोज और गुड्डू पर संदेह जताया, जिस पर पुलिस उसके गांव पहुंची तो वहां पता चला कि वादी छेदी पासवान को ही उन दोनों युवकों को 40,000 रुपए देना था। पुलिस ने जब गांव के अन्य लोगों से वादी के बारे में पता किया तो जानकारी हुई कि छेदी पासवान काफी जगलर किस्म का व्यक्ति है और कई लोगों से उधार ले चुका है। उधारी चुकता ना करना पड़े इसलिए उसने फर्जी लूट होने की कहानी बनाई है। इस संबंध में एसपी सिटी ने गोरखपुर न्यूज़ को बताया कि प्रथम दृष्टया लूट की घटना झूठी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से दूरभाष पर बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, और यहाँ से सर ये वहाँ कहाँ से आ रहे थे? जी आज एक लूट की सूचना मिली थी, उस पर कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर शाहपुर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जांच पड़ताल किया गया तो पता चला कि जो व्यक्ति था, जो वादी था, वो गुलेरिया का रहने वाला है, सिमरा नंबर दो है। वहां पे इसने कुछ लोगों से पैसे उधार में लिए थे और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि वो सूचना उसने झूठी दी है। इस पे अभी आगे जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। सर इसमें सूचना अगर उसने गलत दिया है तो ये तो 182 के तहत पुलिस कार्रवाई करती है, क्या इस पे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अभी इसमें पूछताछ चल रही है और आगे जो भी जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया यही है कि मतलब सूचना झूठी है।